अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश के अनुसार जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर के द्वारा बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों, किसानों की प्रताड़ना, बढ़ती महंगाई, पेट्रोल डीजल, रसोई गैस सिलेंडर के आसमान छूते दाम, बेतहाशा बेरोजगारी तथा उखड़ी कानून व्यवस्था के हालात को देखते हुए शहीद स्मारक के पास धरना प्रदर्शन किया गया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। इसके उपरांत उपायुक्त कार्यालय तक महंगाई को लेकर रैली निकाली गई और उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य तथा नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रामलाल ठाकुर ने कहा कि मनमोहन सरकार के समय में इतनी महंगाई नहीं थी। उन्होंने कहा कि अगर 60 वर्षों की बात की जाए तो कांग्रेस के समय में इतनी महंगाई कभी नहीं बढ़ी जितनी भाजपा सरकार के 7 वर्षों के कार्यकाल में बढ़ी है। उन्होंने कुल्लू में पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री के सुरक्षाकर्मी के बीच थप्पड़ कांड की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि जो अधिकारी जनता की सेवा के लिए लगाए गए हैं वो ही अगर ऐसा करेंगे तो जनता को कौन सुरक्षित रख सकता है। उन्होंने इस घटना को शर्मसार घटना भी करार दिया। इससे हिमाचल का नाम बदनाम भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं पर सरकार को कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। वहीं रामलाल ठाकुर ने दिन प्रतिदिन बढ़ती महंगाई और सरकार के द्वारा जनता को लूटने के आरोप भी लगाए। जिला बिलासपुर के कांग्रेस प्रभारी इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि महंगाई दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, उसी के मद्देनजर पूरे प्रदेश में महंगाई को लेकर जन आक्रोश सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसके तहत हर जिला में कांग्रेस पार्टी के द्वारा बीजेपी सरकार की नाकामियों को आम जनमानस के समक्ष लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन 1 करोड़ युवा बेरोजगार घर पर बैठ चुका है, जो कि मोदी सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। उन्होंने कहा कि ये आंदोलन उन किसानों के लिए है जो 7 महीने से लगातार धरने पर बैठे हैं और उनकी सरकार के द्वारा कोई सुध नहीं ली जा रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है और बेरोजगार युवाओं के लिए ये आक्रोश रैली और धरना प्रदर्शन किया गया है। जो जो उनके साथ सिक्योरिटी में जो लोग हैं उनकी और भी जिम्मेदारी बनती है, उनको जो है वो सुशील होके जो है वो काम करना चाहिए। पर अगर मान लो पुलिस वाले लोग जो है वो घूंसे मारने शुरू करेंगे, एसपी को एसपी थप्पड़ मारे, उसको लाते मारे, तो उसका जो है वो प्रभाव इस देवभूमि के लिए कलंकित करने वाला प्रभाव जो है वो बाहर जाएगा। मीडिया में सब कुछ आता है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा सरकार को और मुख्यमंत्री को इसके ऊपर जो है वो अंकुश लगाना चाहिए। इस में घटना होगी कि सिपाही ने एक टूरिस्ट को थप्पड़ मार दिया, ये भी अखबार करार रहनी चाहिए। गडकरी साहब वहाँ पे आए थे, उन्हीं के सामने सारा ड्रामा हुआ है। गडकरी साहब ने और घोषणाएं कर दी, लेकिन हमें ये भी कहना चाहिए कि जो 70 नेशनल हाईवे उन्होंने विधानसभा के चुनाव से पहले धर्मशाला में जिसकी घोषणा करी थी और ये भी कहा था कि उसके लिए 65,000 करोड़ रुपए जो है वो उन्होंने सैंक्शन कर दिया, एक भी सड़क नहीं बन पाई, एक भी DPR तैयार नहीं हो पाई। लेकिन मैं कहूँगा कि एक और रोचक स्थिति पैदा हो गई कि जब पत्रकारों ने कुल्लू में पूछा कि भाई उन 70 नेशनल हाईवे का क्या बना, तो गडकरी साहब ने कहा कि भाई मैंने तो कर दिया था, लेकिन ये प्रोजेक्ट PMO में जो है ये अटक गया। इसका मतलब प्रधानमंत्री के कार्यालय से हिमाचल प्रदेश की सड़कों के ऊपर ग्रहण लग गया, वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। क्या ये भी हो सकता है कि गडकरी साहब ने जो कहा प्रधानमंत्री को अच्छा नहीं लगा होगा, तो इसलिए उन्होंने वो फाइल रोक के रख दी। मेरा निवेदन यह है कि कृपया करके ये फैसला करें। पर वहाँ तो और भी सामने आ गया कि जब BJP के मुट्ठी भर लोग थे वहाँ पे, कहा गया कि ये 4 लेन से प्रभावित लोग हैं, जब उन्होंने नारे लगाने शुरू किए कि अगला प्रधानमंत्री कैसा हो, गडकरी जैसा हो, तो ये सारी पोल खुल गई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार कहाँ पे किस झमेले में फंसी है। ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों के बीच में हमारे जो सीनियर लोग हैं वो लेके जाएंगे। मैं फिर जिस प्रकार से महंगाई एक विकराल रूप से धारण होती जा रही है, उस संदर्भ में पूरे देश और प्रदेश में जो है, आज हमारे प्रदेश में हमारे जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर जी कांग्रेस पार्टी के, और जो हमारे प्रभारी हैं सह प्रभारी संजय इंदर जी, जिनके अगुवाई में, जिनके निर्देश के अनुसार पूरे प्रदेश में ये जो सप्ताह है ये आक्रोश सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। और इसको मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो महंगाई को लेके है और जो बेरोजगारी को लेकर, और किसान जो हमारे पिछले 7 महीने से धरना प्रदर्शन में बैठे हैं और उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है, उनके समर्थन में ये
आक्रोश रैली निकालेंगे। इसके साथ साथ और भी मुद्दे साथ में खड़े हुए हैं। पिछले डेढ़ वर्ष से लेकर जो कोरोना काल के दौरान जो हमारे नौजवान साथी बेरोजगार हुए हैं उनके लिए भी ये एक आक्रोश इस रैली में जो है हमारा उनके लिए भी समर्थन रहेगा, क्योंकि जिस समय 2014 में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे देश में जो है एक लहर चलाई थी कि मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद युवाओं को जो है 2 करोड़ नौकरियां हर वर्ष दी जाएंगी, लेकिन आज करोड़ों के हिसाब से जो है इन 7 वर्षों में हमारे नौजवान साथी बेरोजगार होकर घर में बैठ गए। आज उनका जो जीवन है और जो उनका जो भविष्य है वो केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से धरातल में रसातल में मिल गया है। और जो कोरोना महामारी के दौरान जो अव्यवस्था केंद्र सरकार के द्वारा फैलाई गई पूरे देश के अंदर वो आज आप सबके सामने